मोमिन जी, मोमिन जी, मोमिन जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है और मेरी आवाज कहीं को हो रहा है वहां। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है सर यहाँ पे। अच्छा मोमिन जी, अभी मैं कश्मीर में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बात कर रहा था, और अभी गारो हिल्स के आप लोगों से जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। और मैं, आप तो रूरल डेवलपमेंट के काम में लगे हैं, तो वहाँ पर इतनी बारिश और डेवलपमेंट के काम करने हो, घर बनाने हो, तो बहुत दिक्कतें आती होगी, काम भी प्रभावित होगा। इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारा मेघालय में साल में 7 या 8 महीना बारिश होता है। हम क्या करते हैं, जितना हाउसिंग स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जितना घर बनाना है, हम उसका डिमांड का हिसाब से हर घर और बेनिफिशियरीज को सामान स्टॉक करने के लिए पहले से हम लोग आदेश देता है। और सर, जितना यहाँ डिपार्टमेंट है सबको मिलकर सर हम लोग एक टीम बनाता है मॉनिटर करने के लिए। और सर, जब बारिश रुकता है सर, उस टाइम हम लोग ये शुरू करता है सर। पहले तो सरकार जब घर बनाने का कार्यक्रम करती थी तो एक ही मॉडल बनाती थी, हमने आकर के बदल कर दिया कि स्थानीय जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, स्थानीय जो डिजाइन होती हैं, वैसे ही पीएम आवास बनने चाहिए, जो मर्जी पड़े और पैसे ओनर को दे दिए जाए और ओनर ड्रिवन कंस्ट्रक्शन का काम हो। उसके कारण क्वालिटी में चेंज आया हो, लोकल मटेरियल का भारी उपयोग होता हो और उनके जीवन को ईज ऑफ लिविंग के लिए काम आता हो, ऐसा अनुभव आ रहा है क्या? हाँ, प्रधानमंत्री जी, हाँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में काजू भी बहुत होता है भाई, तो उसका उत्पादन और मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? सर जैसे कि यहाँ पे जो गारो हिल्स जितना खजूर मिलता है सर, हम आपको ये बताने के लिए सर हम यहाँ पे चाहते हैं कि सर ये गारो हिल्स का काजू है सर, ये देश में नंबर 1 क्वालिटी का खजू है सर। और सर, जो ये खजू का प्रोडक्शन सर हम लोग बढ़ाने के लिए सर हम लोग अभी विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल यानी MGNREGS के तरफ और सर सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन सब को हम लोग अभी सर यहाँ पे ये कैश्यू कल्टीवेट करने के लिए सर हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं सर। और सर, यहाँ पे आपसे सर एक है सर, क्योंकि यहाँ पे गारो हिल्स में सर खाली एक ही ये प्रोसेसिंग यूनिट है सर, जो अभी ये प्रोसेसिंग यूनिट सर यहाँ पे और ज्यादा होने से सर हम लोग का मार्केटिंग के लिए हम लोग अभी आगे बढ़ सकता है। और सर, एक है सर, जैसे कि अभी ये गारो हिल्स का, हमारा गारो हिल्स का जो खजू है सर, इसके लिए हाईटेक मिलने से सर हम लोग का और मार्केटिंग में बहुत हेल्प करेगा सर। देखिए मोमिन जी, ये अच्छा किया आपने मार्केटिंग की बात कही। वैसे आपका काजू जैसा आप कह रहे हैं नंबर 1, आपका टर्मरिक हल्दी नंबर 1 है मेघालय का। अच्छा, मेघालय में तो घर घर में संगीत होता है और मैंने देखा है कि हर जगह पे संगीत के बड़े ग्रुप है। क्या कभी आपको विचार आता है कि आपकी रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको गीतों में ढाल करके जागृति लाई जाए? वैसे मेघालय स्वच्छता के लिए तो काफ़ी आगे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं गीतों के माध्यम से, क्योंकि संगीत इतना पॉपुलर है आपके यहाँ और अब तो बाहर भी जाते हैं आप लोग, मेघालय के बाहर जहाँ भी जाते हैं लोगों के दिल जीत लेते हैं। तो क्या इस प्रकार से एक रूरल डेवलपमेंट को काम करने वाले व्यक्ति, जन को जोड़ने के लिए संगीत एक बहुत बड़ी ताकत है, म्यूजिक बहुत बड़ी ताकत है, क्या आप अपने जन भागीदारी के लिए इसका रास्ते में क्योंकि प्रयास करते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? सर, एक गाना है
सर इनका मीनिंग है सर कि उम्मीद, यानी सर होप। जैसे कि सर हम लोग अभी आपको धन्यवाद बोलना चाहता है कि सर आप ये ब्लॉग को आप एस्पिरेशनल ब्लॉग प्रोग्राम में हम लोग को किया है। सर हम लोग का ये होप है और ये उम्मीद है कि सर हम लोग ये ब्लॉग को, तो ये होप वाला गीत गाते हैं कि आप लोग हाँ जरा सुनाइए। क्या मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग क्या है मोमिन जी? मंत्री जी इसका मीनिंग है होप है और यानी उम्मीद और विश्वास। चलिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हर ग्राम पंचायत अपने कार्य तेजी से करेगी तभी पूरे ब्लॉक का विकास हो सकता है। और आप जैसे शिक्षित नौजवान इस मिशन में जुड़े हैं, मैं आपको, आप जैसे अनेकों देश भर में ग्रामीण विकास के काम में जुड़े हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मोमिन जी, मोमिन जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है और मेरी आवाज का इको हो रहा है वहां। हाँ सर आपका आवाज आ रहा है सर यहाँ पे। अच्छा मोमिन जी, अभी मैं कश्मीर में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बात कर रहा था, और अभी गारो हिल्स के आप लोगों से जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। और मैं, आप तो रूरल डेवलपमेंट के काम में लगे हैं, तो वहाँ पर इतनी बारिश और डेवलपमेंट के काम करने हो, घर बनाने हो, तो बहुत दिक्कतें आती होगी, काम भी प्रभावित होगा। इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारा मेघालय में साल में 7 या 8 महीना बारिश होता है। हम क्या करते हैं, जितना हाउसिंग स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितना घर बनाना है, हम उसका डिमांड का हिसाब से हर घर और बेनिफिशियरीज को सामान स्टॉक करने के लिए पहले से हम लोग आदेश देता है। और सर जितना यहाँ डिपार्टमेंट है सबको मिलकर सर हम लोग एक टीम बनाता है मॉनिटर करने के लिए। और सर जब बारिश रुकता है सर उस टाइम हम लोग ये शुरू करता है सर।